हेलो सत श्रीकाल जी। कौन कौन है लाइव में अभी? मेरी टाइसेट बहुत वीक हो गई है। नेल बाय मुस्कान। अच्छा मेरे को नाम नहीं बोलना आता तेरा। आज तुम्हें छोटे छोटे बच्चे भी दिखाऊंगी। आज मैं चेयर पे नहीं बैठी। बच्चे बच्चे भी दिखाऊंगी आपको अभी। हाय मैम। यार मेरे को ना ये सारा पीछे से आगे दे। ये प्यार करता है इसको। हाँ। तो मिन्नू ना नाल प्यार कर देखना। ये मेरे को आपके कमेंट नहीं दिख रहे। आज मैं थोड़ा ना कैमरा दूर रखा है इसको, क्योंकि मैंने जोई को दिखाना था लाइव। पूरे लाइव में वो देखो जोई बैठी हुई है और जोई के बच्चे। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि यू वांट लाइव सेशन और नॉट, तो 92% लोगों ने बोला था कि यस, इसलिए हम लाइव आए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अभी? पंखा पंखा कम करियो। ये बंद ही कर दे वाला, ये बंद कर दे पंखा। हाय पंकज भाई, इसको देख लो साथ में। यार दिख ही नहीं रहा कुछ भी। कल चश्मे बनाओ यार एक। फेसबुक पे तो कुछ भी दिख रहा है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? देखना यार इसको। मर थप्पड़ वो चल रहा है। चल मेरे ये ऐसे नीचे करिए, पकड़ के इसको यहाँ से खड़ी होगी ना, ऐसे नीचे कर दे ऐसे। हेलो दीदी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। हेलो मैम आवाज़ ठीक आ रही है तुम्हारी? रजनी ठीक है? हाँ सही है बिल्कुल। ब्लाइंड बेबी, ब्लाइंड मत बोला करो। अब तो जोई की आंखें हैं ना, कितनी सारी आंखें हैं। मेरी मम्मी की आंखें, मेरी आंखें, सारे घर वालों की आंखें, वो रही जोई। सो आज मैं थोड़ा अपना फेस कम दिखाऊंगी, जोई को दिखाती हूँ ज्यादा, है ना ऐसे ठीक है ना। ये देख लो इसको प्यार कर रहे। दिख रहा है? दिख रहा है? ये दिख रहा है? मैनू ना कर, इनको कर ले। सर्किट इनको प्यार करता है सबको। ऐसा कुछ नहीं कि सर्किट प्यार नहीं करता। सर्किट इन सारे बच्चों को प्यार करता है। मेरे सिर से चढ़ेगा उन्हें, लेकिन जो ही सर्किट को इधर आने नहीं देती। और गाइस जो कैमल वाली वीडियो है, आपने काफी उस वीडियो को इतने शेयर मिले हैं, बट मैं ये बोल रही थी कि आप शेयर करते हो लेकिन दिल्ली में इतने लोग रह रहे हैं जो मूर्थल के बिल्कुल पास हैं। वो जाके एक बार वो ओनर भैया से बात तो कर सकते हैं कि आपने बुजुर्ग कैमल क्यों रखा हुआ है। देखो यही बात है, ऐसे तो कैमल की पूरे देश में लोग सवारी करते हैं, हम बंद तो करवा नहीं सकते, है ना। तो आप कोई जाके वहां पर उसको पूछ के तो आ सकता है। अगर कैमल को खड़ा भी करना है, उसको किसी शेड के नीचे खड़ा कर सकता है, लेकिन वो कैमल तो बेचारा इतना वीक है। हाँ इसके बच्चे बहुत क्यूट है। ये मोटी वाली का मोटी, वो सो रही है। पकड़ू क्या उसको? नहीं वो सो रही है, अभी नहीं पकड़ती। और बुजू 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 इसको इसको देख लो, ये ज्यादा क्यूट है। पीछे देख रहे हो? देख रहे इसको? सर्किट हेलो करी, सर्किट सर्किट हेलो हेलो करी। हेलो हाथ दिख नहीं रहा था कैमरे में भी। अभी हेलो करवाऊंगी इसे एक बार मैं। आज आप अच्छा नहीं लग रहे। कोई बात नहीं भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है यार। बाल पता दो रोज सिर धोना पड़ता है। तो बच्चा रख रही हो अभी वहां पे एक बार? हाँ मम्मी है तेरे मुंह तो चोट बड़ी है तो मर जाना। ये देख लो शी सो क्यूट। देख लो देख लो, अब सारे देख लो, फेसबुक वाले भी देख लो। चल मैं इसको रख रही हूँ इसकी मम्मी के पास। जाओ 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 मम्मा पास जाओ। सारे सो रहे हैं उधर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज आप अच्छे नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, अपने आप को अच्छे लगने चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसको तो सारा दिन ही प्यार करती हो तू। आ जाए तो आ जा। रानी क्या लगा? उसने मेरी बात में पोटी कर दी। देखो ये देखो सारी पोटी। मैं कह रही स्मेल कहाँ से आ रही है? वो दियो पेपर लाइए कोई बाहर से। मैं कह रही स्मेल कहाँ से आ रही है? देख लो पोटी कर दी उसने यहाँ पे। ये रही कपड़ा ले आइयो नेचुरल। कोई बात नहीं, कभी किसी डॉग ने काटा है? काटा है, बट ऐसी सिचुएशन में काटा है कि जहां पर लाइक उसको बहुत ज्यादा लोगों से ट्रस्ट टूट चुका था। मेरे को उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए उसको इतने पेन में उठाना पड़ा। सर्किट खलो जाए भरावा मेरा की वेखी स्यापा पाया जी मैनू। एक्चुअली मेरे को मास्टर ब्लास्टर ने काटा था, इवन लाइव में ही काटा था। लाइव वीडियो चल रही थी उस टाइम पे।
फेसबुक वाले कमेंट तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, पचे आंखें खोल खोल के देख लूं। अभी बच्चों के नाम रखूंगी, या ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन हो गया, कोई बात नहीं। जी ले इधर ले। लोगों को तो गलियों से दिक्कत होती है भाई, पोटी कर दी, खुद तो जैसे पता नहीं ना खाते हैं ना टॉयलेट जाते हैं, है ना। हाथ पे भी थी जिम्मे नहीं होता की आते ने मूंग का, मूंग दाल का हलवा जैसे मूंग दाल का हलवा नहीं होता, सीरियसली वैसे लग रही है। और ये कपड़े में कैसी स्मेल आ रही है, जैसे जारा ने बाथरूम कर रखा हो सैलो ऊपर ही बिठा बिठा के करा दो मेरे उधर रख के इसको, और तो नहीं कहीं पे भी सेंटा जल पड़ा तो दे दियो कहीं पे। प्राउड टू यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज यार, कोई अगर दिल्ली के आसपास रहता है तो एक बार मूर्थल वाले ढाबे पे चले जाओ। इवन वो सुखदेव ढाबा से एक मैसेज भी आया था कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो जो ऑनर है वो क्या बोलते हैं कैमल का ऑनर, वो तो ऐवे खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई रेस्टोरेंट या होटल किसी को अलाउ नहीं करता ना कोई भी ऐसे कैमल या कोई भी ऐसे लाइक कई बार हॉर्सेस की सवारी के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, सीरियसली सबसे पहले ना वो होटल वाले खुद अलाउ करते हैं, हाँ जी आप खड़े हो जाया करो। परफ्यूम लगा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं हमारे घर में, सही है सेट हो गया लगवाना हैंड पंप, बात चल रही है। 30,000 में बात हुई थी, सीधा करके खोलना ऐसे नहीं आएगा। 30,000 में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ना अभी वो बैग फाड़ देगा तब तक जब तक लाइव चलेगा। नहीं नींद तो नहीं है वैसे, मैं 8 घंटे सोती हूँ, बट लेट सोती हूँ, बट 8 घंटे सोती हूँ मैं। सर के बहुत पोजेसिव है ये, तो पूछो ही ना इसके बारे में, तो मैं बात ही भूल जाती। हैंडपंप के बारे में बात चल रही थी, 30,000 में बात हुई थी, हमने कंट्री के लिए बंदे भी इकट्ठे कर लिए 3-4 जने, हम खुद रल के वो करेंगे। एंड सेकंड थिंग, अब वो 40,000 मांग रहा है, हे भाई है ना, उसको तो 30 के भी 25-20 लेने चाहिए, वो 40 पे आ रहा है। लेकिन अभी हम जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो नलके नुलके लगा लेता भाई, बोर कर लेता, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर मैं फोन नहीं उठा पा रही तो मेरे जो नॉन में उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि मैसेज मेरे पास आ जाए, क्योंकि कई लोग यार काम करते हैं, उनको काम मिल जाएगा, हमने पैसे दे के काम करवाना है। सो कोई ऐसा बंदा हो तो प्लीज बताना। ओ सर के इज सो क्यूट, या बहुत ज्यादा क्यूट है वो, बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके मैंने वीडियो, आई थिंक मैं ना फेसबुक पे काफी टाइम से वीडियोज नहीं डाल रही, मैं जल्दी डालूंगी। हाँ जोई के बेबी ने, मैं ना आपके थोड़े मैसेज, तू लाइव खोल लेना मैसेज पढ़ लियो साथ साथ, इंस्टाग्राम पे खोल रखा है, फेसबुक पे कोई ऐसा मैसेज आना मुझे बता दियो। सर्किट को पीछे देखो, देखो एक सेकंड, देखो सर्किट को दिखा देती हूँ ना, सर्किट चौकी देख लो इसको बहुत प्यार करता है यार, सच्ची में बहुत प्यार करता है, चौकी वो बच्चे ना मैं 10 तारीख के आसपास अडॉप्ट करवाऊंगी। जो मैंने परसों चौथ एक वीडियो डाली थी उसमें से 2 बच्चों के अडॉप्शन का तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अगर किसी ने दिल्ली में 2 बच्चे अडॉप्ट करने हैं तो प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट बताना, क्योंकि मेरे ब्रदर ने आना है वहाँ से, तरनवीर और ने, तो उनके हाथ में बच्चे भेज सकती हूँ, लेकिन मुझे कन्फर्म 100% फैमिलीज अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे अडॉप्ट नहीं करवाऊँगी। सीरियसली ऐसे अडॉप्ट करवा के है ना, ऐसे हम क्यों बेचारों की जिंदगी वो करें। ओ वे कि तो मैं फोन थोड़ा सा आगे कर रही हूँ, अरे मेरे को किसी कमेंट ही नहीं पड़े जा रहे। सकिट हेलो, सकिट हेलो, हेलो करके देखती हूँ, सकिट हेलो, सकिट हेलो, हेलो 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 कर, हेलो हेलो करती, हेलो कर दीजिए, मुक्का मार मुंह उठे, ज्यादा ही तो हीरो बने, खा साफ कर, एक मिनट इसके आके साफ कर, थोड़ी देर में करेगा
चिकू को लेके इधर, वो भी बेड पे चढ़ जाता है अभी। यू आर ग्रेट, 3 फीमेल और 1 मेल है। हाँ चक्करवा चुके हो, बहुत बढ़िया बात है यार। मेरे को यार मेरी आई साइड बहुत वीक हो, क्या हुआ चिकू ने सर्किट ने चिकी नीचे गिरा, मुंह पे क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ छोटा सा मेरे ख्याल से। निकाल दे निकाल दे, इस मौसम में ना ना चाहते हुए भी टिक्स हो जाते हैं डॉग्स को। ओए देख स्टार्ट हो गया इनका WWE। ये बेड पे चल रहे हैं इसको, ये दोनों आगे देख लो अभी, देख रहे हो बड़े बेस्ट फ्रेंड है, ईट कुत्ते का बैर है इनका। सर्किट उसको बोल रहे तो सर्किट थोड़ा मतलब ऊपर से चला के, ये अंदर से चला के चीकू देखो। ओए राम चले सच्ची में लाइक कर लेंगे। सो क्यूट है मेरा पोला मुंडा, इधर आ, बहुत मिसन है वो, इतना मिसन है वो। कोई क्वेश्चन, मैं कई क्वेश्चन देखे थे बट मैनू याद को नहीं, मैं सारे भूल गया हूँ। आज हमने संडे को कोई डॉग स्टेरलाइज नहीं करवाया, हम कल करवाएंगे, कैरी को स्टेरलाइज करवाएंगे। कुछ लोगों को याद हो कैरी और शैडो मेरे घर में इकट्ठी आई थी, तो कल कैरी को करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे सतिंदर को। सतिंदर भी मेरे एक डॉग का नाम है, उसकी काटो की बहन का। चीकू पता कितना शरीफ था, इतना शरीफ था बेचारा, बोले बैठा दे कहाँ पे, देखी सोड़े में घर में क्या बड़ा बैठ, देखियो कहाँ बैठा हुआ है। दिलजीत, मेरा नाम दलजीत। मैं बस 2 मिनट में आपसे बात करके मैं फिर बच्चे दिखा रही हूँ सारे घर वाले ताड़ी, तो मैं नहीं गुड मॉर्निंग रोज मेरे नाल होगी। ओए बोरा वजन वाले ने मायके के लत्था ठोक देना दोनों जने दे, जब तुम ज्यादा मच्छर जाते हो। उसको बेड पे चढ़ने नहीं देता। सगी आ जाओ शाकी, 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 कम बेबी, चुकी नहीं बुच्चुचिनी। चीकू को भी वो कर रहे हैं, रांची को दिखाइए। गिरीश जी बस मैं 5 मिनट बाद रांची के पास ही जा रही हूँ, ये देख लो इधर सर्किट, शाकी, 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 शाकी ठहलो। आवाज बहुत कम आ रही है क्या? हाँ मेरी शादी हो रही है ना किसी ने, आ जाओ अच्छी तरह तुम्हारा बैंड बजाऊंगी। आ जाओ शादी हो रही है मेरी, हाँ मेरी शादी हो रही है, आ जाओ। हाँ माना मेरे साथ ही रहती है। चलो मैं एक बार जोई के बच्चे दिखाऊं, वो उनका पीछे कार्यक्रम चल रहा है, वो देखो वो नीचे से आ गया, वो देखो उसको सराना सराना वेगनी डाइस पड़ा हुआ इधर ना, नहीं तो पता दिख जाता आपको, देख लो इनको कमीने। ये जोई देख लिया आपने, अब जोई को देख लो अच्छे से। जोई, जोई बेबी, 2 बच्चे वो सो रहे ठीक है, 2 ये सो रहे। फटाफट आपका 1-2 क्वेश्चन देख के मैं मूव हो रही हूँ भाई, कैमरे के आगे ना मेरे को दिखता है कुछ ना बोला जाता है, कैमरा बैक करूंगी तो फिर भी कुछ दिख जाता है। सर्किट जैसा सेम है मेरे पास, ओके चलो मैं दिखा रही हूँ सारे बच्चों को फटाफट है ना, बैक कैमरा करो ऐसे और चलो भाई उसको कर बुलाइए जरा। छकीट, छकीट बेबी, छकीट बेबी, छकीट बेबी, हाँ ये चढ़ गया देख लो लाइव में ही चढ़ गया ये, तेरे बैठते चढ़ रहा आगे, पकड़ी एक बार फोन पकड़ी दोनों, ये वाला पकड़ ले एक बार बस ऐसे, इसको पकड़ कर मैं वो कर डालू एक बार ना, नेल कटर भरावा सारा कुछ ताडे वास्ते ही करना पैंदा है मैनू। आए ओए एक सेकंड भाई, चलो स्टिक लगा लूँ, हाथ थक जाते हैं रोज। चलो जी दो चुन्नी खाला खाला, चुन्नी खाला खाला खाला, चुन्नी खाला हाँ, जुत्तियाँ पता किनिया पैनियाँ, चुनी उठा ले दोनों। छकीट
चक इट। मैं फोन ना हाथ में पकड़ रही हूँ भाई, मेरे से ये सेल्फी स्टिक के नहीं पकड़ी जाती। सारा सामान रख दे उसके अंदर कहीं। हर रोज पता क्या होता है यार, आपके लाइव के चक्कर में ना, हर रोज आपके लाइव के चक्कर में आधा मेरा सामान टूट जाता है। मेरा बालों का स्ट्रेटनर भी खा गए, सब कुछ खा गए ये। कल परसों लाइव चल रहा था, वो बालों वाला स्ट्रेटनर हो गया, चार्जर हो गया, सामान बाहर पड़ा हुआ था। चलो भाई, जब आगे देखा कुछ नहीं, तभी तो आज जूड़ा बनाना पड़ा। चलो जी, मैं दूसरे बच्चों के पास जा रही फटाफट। ओके, एंड प्लीज़ यार, जो लोग दिल्ली रहते हो, आप एक बार मूर्थल उस ढाबे पे होके तो आ सकते हो ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट वाली बात है, नहीं तो फिर वही बात है, हमें तो करनाल से जाना पड़ेगा। हम तो तैयार है जाने के लिए। जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो भी तो जा सकते हैं। फैन ऑन कर दे जोई का ना, तब तक चार्ज लगा दें एयरपॉड। चलो फटाफट नीचे चलो, फटाफट 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 फटाफट। पहले पीछे वाले बच्चे दिखा दूं क्या आपको फटाफट? कल मेरे को एक दो लोगों के घर में जाना है जो डॉग्स की केयर करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ। कैमल का स्टेटस भाई, कितने लोगों को वहाँ बोल दिया जाने के लिए, कोई रेडी नहीं है जाने के लिए वहाँ पे। ये रे सारे बच्चे, हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी, हाय मेरे बच्चों। क्या हुआ इसको? देख छेड़, इसको ना आज ALU स्प्रे लगवाया था डॉक्टर से पूछ के ना, जख्म इसका पहले से बहुत कम हो गया है। सो जिम्मी देख लिया आपने, और शेडो को देख लिया, नेत्रा को देख लिया, डब्बू, डब्बू को देख लो सीढ़ियों से नीचे आकर। डब्बू आ जाओ, डब्बू के आ जाओ, आ मेरा डब्बू। पैरालाइज डॉग था ये, देख लो, भगवान की अगर मेहर हो तो पैरालाइज भी चलने लग जाते हैं। डब्बी नहीं, डब्बी मेरा बच्चा, कैसे चल रहा है? इसको पानी पीना है। डब्बी ये पहले हमेशा पास आता है, फिर चल चल के दिखाता है मेरे को, देख लो कि मैं चल रहा हूँ, देख लो इसको। डबी पकड़ी एक बार इसको ऐसे, जाओ। ये रे सारे बच्चे मेरे, बगीरा देखना मोती से बड़ा लगने लग गया है। नेत्रा नी, नेत्रा मेरा सोना पुत्र सी नी, छो तेरा परेशान हो, टक जा थले तू। डब्बी, डब्बी बेबी, जल्दी दिखा दे, हाँ तेरे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? तमीज ही नाम की चीज नहीं है लोगों के अंदर, सीरियसली। डुगू को दिखा देती हूँ, पहले से ठीक है वो। बगीरा अपनी मम्मी से बड़ा लगने लग गया है। चलो मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ। हाँ है नी, दिखाइयो डस्टबिन, लेके आइयो इधर, इधर लेके आइयो। डस्टबिन भी तोड़ दिए इन्होंने, और क्या तोड़ा है? मार जो, मार जो दे, चल दे खराब सी, चल कोई बात नहीं। जिम्मी, कोको, शेडो, नेत्रा, बगीरा, डब्बू, मोती, सात जने। ब्लैकी कितने प्रधान? चलो मैं ब्लैकी के पास होके आई। देख देख देख, दिखाती देख कैसे। डब्बू तू थल्ली रख, हाँ डब्बू को देख लो, देख रहे हो कैसे साइड साइड से आ रहा है? आना है ना प्योन है मेरे मगर ही ये, देख लो इसको। मर जा, मैं तो सारे नाल ही मरोगे तुसी, तो वेख्या जे जिदन मर गई ना। आ जाओ यार, ये रेलिंग लगानी है, ऑर्डर दे रखा है उसने, चार दिन का टाइम मांगा है। अमरीका तो है नहीं भाई, एकदम से कोई काम कर देगा, देख लो हिम्मत, देख लो अगले की। ब्लैकी केड़ी भुआ को बैठा है? ब्लैकी नहीं, ब्लैकी मेरा भुग बची सी नी राती ना, तो टूअल नहीं चलन डा जिसे फाड़ के तेन नवा दाँगी मैं, सुन गई? ये ना लाइट से भी डरता है, फोनों से भी डरता है,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਚਾਰ ਦਿਨ ਡਰਨ ਡਿਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਵੇ, ਬਹਿ ਜਾ, ਵੇ 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 ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਚਾਲੇ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਡੱਬੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਛਾ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੀ ਪਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਲੀਜ਼, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਚਲਾ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਡੱਬੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਏ ਮੱਛਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। छोटी लाइट जगा देते हैं, ये रे सारे बच्चे। चलो मैं नीचे जा रही हूँ एक बार, चला नीचे आ जा। हमने लाइटें छोटी जगा दी, यहाँ पे बंद कर दी, आ जा, क्योंकि मच्छर ज़्यादा है आज, छोटे छोटे से आज। कल आई थिंक बारिश आई थी उसकी वजह से है। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੋਗ ਨਾ ਸੁਸਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਲੇਜ਼ੀ ਲੇਜ਼ੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਤਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਡੁੱਗੂ, ਡੁੱਗੂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਉਸਕੋ ਫਰਕ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਸਕੀ ਸਕਿਨ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਕੋ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਡੁੱਗੂ ਬੇਬੀ। ये अपनी मर्जी से जहाँ उसको दिल करता है सोना बैठना अपनी मर्जी से होता है। और आपको पता होगा डुग्गू की एक आईज भी काफ़ी टाइम से इसकी आईज में मोती हो गए था, वो ख़राब हो गई है। जब डॉक्टर से कंफर्म किया था तो इसकी मतलब कि एज ज़्यादा है, 7-8 साल के आसपास है इसकी एज। चलो उधर चले दूसरे कमरे में, सारे बहुत प्यार करते हैं। ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ, ਓਏ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਵੀ ਰਾਜੀ 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 ਹਾਂ 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 ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਰਾਂਚੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸਕੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਦੇਖੋ ਵਹਾਂ ਸੇ। ਰਾਂਚੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਂਚੀ। ਹੈਲੋ ਆਏ ਨੀ ਰਾਂਚੀ ਕੋ ਨਾ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੇਚਾਰੇ ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਜਬ ਇਸਕੀ ਬਾਡੀ ਕੋ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਨਾ ਇਸਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਰਾਂਚੀ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। रांची बस एक बार स्वागत करता है फिर चुप हो जाता है ये। अगर मैं जैसे इसके पास ना 5-6 घंटे नहीं आऊँ ना, बहुत लेट आऊँ, फिर तो बहुत ज़्यादा बातें करता है, क्योंकि अभी मैं 15-20 मिनट पहले इसके पास से होके गई हूँ। और कांटी 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 तो प्रॉपर वो ले रही है अपना। गिरीश जी रांची का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि रांची की एज 13 साल से ज़्यादा है। अगर किसी भी डॉग की एज 10 साल से ज़्यादा होती है, 9-10 साल से ज़्यादा होती है, तो जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चा मतलब वो सर्वाइव बहुत मुश्किल कर पाता है, क्योंकि जो कैंसर की कीमो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए मैंने तो एक दो बार तो मैंने डॉक्टर भी बुला लिया, मैं रेडी भी होगी, लेकिन फिर जब डॉक्टर ने बोला कि साइन करके दो, अगर डॉग को कुछ हो जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक इसके आखिरी सांस है ये अच्छे से खाना खा रहा है, टॉयलेट जाता है, सोता है, खाता है, पीता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना मैं ऐसे खाम खा वो इंजेक्शन लगवा के इसकी लाइफ ना कम करूँ। सो रांची की स्टोरी भी आप सबको पता ही है, मैंने तो प्रॉपर वीडियो भी रांची की सेंड की थी। ये रे दोनों सहेलियाँ अपने सबूतों के साथ ही बैठी हुई हैं, देख लो ये इनके सबूत हैं और ये खुद दोनों बैठी हुई हैं यहीं पे। काटी सारा दिन इसको लिक करती रहेगी, काटो छोड़ दे घर जानो दी, इसको देख लो ब्यूटीफुल गर्ल को।
मेरे को ये होता है कि कोई भी डॉग है अपने पैरों पे चलता रहे, खाना खाता रहे, टॉयलेट जाता रहे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़ारा अक्खा उक्खा बखा दियो, ज़ारा नहीं, ज़ारा ये अपने टशन में रहती है, इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ज़ारा 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 ज़ारा, अगर इसके पास बैठ के मैं इसको ऐसे करूँगी ना, ये थप्पड़ खिंचा के मेरे मुंह पे मारेगी ये। कांटों को देख के ना इसके अंदर जान बस जाती है इसकी। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गाना गुना भी कुछ ऐसा है। कांटो बस कर, लाइव चल रहा, मारी चलनी, डॉक्टर से पूछूंगी यार, इतना लिक करती है ये, मत टेक दे, नहीं तो बस कर, खा बस कर, तू कड़ा मुड़ जाना है, मुड़न वाले वार तो जमी नहीं। ज़ारा चलो हम जा रहे हैं, ज़्यादा इसको ना बड़ी, मतलब कि ये किसी को भाग नहीं देती, दे हमारी तरफ देख भी नहीं रही, इसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, पहली बात तो। ज़ारा जे तू मनने कि तू सोनी है, बट इन्ना हुसन दा मान भी ना कर ना, इसको बहुत तकलीफ है। ज़ारा क्या हुआ, बार लाली आया उसके, हाँ माइकल क्या कर रहा है, मतलब वो भाई आया ना उसके पास होगा। बिन्नी की मैंने वीडियो बनाई है, जिसके नाक के ऊपर ना रोटी लगी हुई थी, वो भी शेयर करूँगी एक दो दिन में। बिना बिन्नी साहिबा दी, ये बोन्स लेके आई थी, वो खा रहा है, ये कैल्शियम बोन्स। ज़ारा है नी, कितनी छोटी लगती है बच्चा। ज़ारा ये नहीं भाव देती भाई, हम तो जा रहे हैं, बिन्नी खाने में बिजी आज। दीदी उसको छेड़ रही है, उसको छेड़ रही है ज़ारा। हाँ 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 हाँ, ज़ारा तेरी फ्रेंड तो तेरे पास बैठी हुई है। चलो मैं एक बार जाऊँ उसकी रांच, क्या बोलते हैं, कांटो की फैमिली, रांची हम जा रहे हैं, रांची हम जा रहे थे बार, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं जा रही हूँ, बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। चलो जी बाहर चले, एक बार उसकी फैमिली देख लेते हैं, कांटो की फैमिली बैठी हो तो। ये मम्मी यहाँ पे खाना पानी रख देती है सारा, ये पड़ा रहता है। चलो खोलिए बाहर, माइकल काटो दी पैन, काटो दी पैन दी कुड़ी, आज तक काटो दी मम्मी भी आई है, आज तक काटो दी मम्मी भी आई। काटो की माँ इतनी शरीफ है, पता नहीं वो कैसे पैदा होगी इतनी बुरी वाली। सिल्क, इसका नाम सिल्क है, सिल्क ये ना मम्मी, सिल्क का ये बार ये पेडिगिरी खाने आती है रोज, ओए इसके कान काटो जैसे है ना, आज देखे मैंने तो, ओए कान इसके काटो, मम्मी काटो बुढ़ी हो गया एवं दी होएगी, सेम काटो अपनी माँ वर्गी, मैं तो अज वेखे। जब ये सिल्क मेरे को पहली बार मिली थी ना, इसके कानों में इतने सारे टिक्स थे, ये मम्मी है काटो की, वो गई देख वो भाग गई, सिल्का उधर गई है, माइकल भी गया, माइकल गया वो कुछ गली में आवाज आई, सारी टीम चली गई उधर। ये पड़े हैं मिट्टी वाले पड़े हैं, हमने आज और मंगाए हैं तो ये रे, ये मम्मी रोज की तरह आपको पता खाना रख देती है, देखो ये खुद खिलार के गए हैं सारा, ये देख लो जैसे शादी में नहीं पड़े होते, अगर सारे लोग यार ऐसे खाना रख दे तो कितना मतलब अच्छा लगे ना। सिल्क आ जा, सिल्क ले, एक तो आ गई ले, दा तेनों नावे पता है ना, पंजाबी च डिग्री करा ला मैंने सारे दी, सिल्क ले, इन्ने डोंगे ने पुत्र जिथे मर्जी खाओ कोई चक्कर ही नहीं।
सिल्क आ जा। मम्मी पूरा चिल्ड पानी पा देती है इसमें पूरी रात। और इवन मैंने ना कल रात को 1:30-2 बजे देखा था कि कुछ और भी डॉग हैं आसपास के, ब्लैक कलर का एक डॉग है, उसकी पिछली वाली टांगें टेढ़ी हैं, वो सब यहाँ से खाना खाने आते हैं रात को। उसने कांटो बड़ी हो कैसी होगी देख लो अपनी मम्मी वर्गी। ये इतनी शरीफ है बेचारी इतनी। इसको मैंने ऑलरेडी स्टेरलाइज करवाया हुआ है, अभी तक 5 डॉग हमने स्टेरलाइज करवाया खुद से। लेकिन मेरा अभी जब तक शेल्टर पूरा नहीं बनता, मैं 100 डॉग्स का मैंने जिम्मा उठाया है कि 100 डॉग मैं स्टेरलाइज करवाऊंगी, और अब सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। कांटो की स्टोरी ये है कि कांटो की मम्मी ने 2 बच्चे पैदा किए थे, कांटो और चिड़ी। दोनों बच्चे एक एक करके मेरे गेट के आगे रख के चली गई थी कि अब बड़े हो गए हैं, आई थिंक महीने के हो गए थे तब। हमें तो पता भी नहीं कहाँ पर इसकी मम्मी ने बच्चे पैदा किए थे। जब कांटो और उसकी बहन महीने के हो गए थे तो वो कांटो की मम्मी हमारे गेट के बाहर रख के चली गई कि अब संभाल लो इनको। तो तब से कांटो हमारे घर ही रहती है, इसकी बहन भी हमारे घर में रहती थी, लेकिन जैसे गली में खेलती रहती थी। तो कांटो की बहन थी चिड़ी, जिसको एक बाइक वाला बुरी तरह हिट करके चला गया था, और रात को लेट नाइट उस बच्चे की डेथ हो गई थी। सिल्क शीख मेरा बच्चो शीनी, मेरे बच्चे से पकड़ी मारे। ये भी इसी की बेटी है ये वाली। छिलका छिलकू मेरा बच्चा, इसको मैंने स्टेरलाइज करवाया था। चलो जाओ 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 खाना खा लो, जाओ जाओ। मेरे को डर नहीं लगता भाई, यार डॉग ही तो है, सांप थोड़ा है। और सांप भी मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था कि 90% सांप में जहर नहीं होता, लेकिन सांप का जो फोबिया है लोगों के दिल में, कोई भी बंदा जब सांप को देखता है तो वो यही सोचता है कि ये जहरीला सांप है काट जाएगा। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि 90% सांप में जहर, ज़्यादा जहरीला जहर समथिंग नहीं होता कुछ, बाकी अभी पूरी जानकारी नहीं है मेरे को। मिन्नी ये कांटो की बहन की लड़की है। मिनी इतनी इतनी वो है ना, इतनी कमी। मिनी हेलो, हाय नी मिनी हेलो, मिनी मिनी हेलो, अभी किया था दोबारा कर। मिनी हेलो 100 बार हेलो करते, मिनी हेलो कर दे हेलो भी, एक ही बार करना था क्या मम्मी ला। मिनी हेलो नहीं कर रही यार अभी, ये कुछ 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 कुछ। इसको भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर स्टेरलाइज करवा दूंगी। सबसे पहले तो पूरे अपने मोहल्ले के डॉग करवाऊंगी स्टेरलाइज। टिक्स कितना तंग कर देनी गर्मी च। हाँ लेटने ले ला तू। चलो जी गुड नाइट, कल लाइव आते हैं। मैंने एक दो फैमिली को मिलना है तो उनका उनको रूबरू करवाऊंगी आपसे। तो अभी मैं लाइव कर रही हूँ, एंड घर से कभी कभी लाइव आया करेंगे ना। चलो जी मैंने सारे बच्चे दिखा दिए आपको, अभी के लिए बाय जी, बाय बाय।